लगता है फिर से आज कोई गाड़ी आई है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ में। RX 100 लवर्स आपके सामने फिर से एक नायाब नगीना, और ये गाड़ी आई है दिल्ली से। और ये हमारे जिन भाई की गाड़ी आई है, इन्होंने गाड़ी खरीदी है दिल्ली से और भेंगी ये डायरेक्ट वहाँ से यहाँ भेज दी, और ये सीधी बेंगलोर जाएगी। ये आर्मी ऑफिसर है, और भैया का नाम भी मैं बता रहा हूँ जब तक गाड़ी उतर रही है। आराम से आराम से, बहुत हाइट है, आराम से आराम। धीरे से धीरे से, बस ले आप पीछे ले। भैया से मेरी बात हुई थी तो भैया कर्नाटका से हैं और आर्मी में है, और ये जो बाइक है उन्होंने दिल्ली से ली थी, GL नंबर है ये देखिए आप। और सुरेश जी दिख रहा है आपको, ये सुरेश जी की गाड़ी है। और उसके अलावा ग्लेडिएटर का डिस्क ब्रेक सेटअप है गाड़ी में, खोलना स्टार्ट करो जो बने रही है मेरे साथ में। कपड़ा डाल दो, कपड़ा गाड़ी में सबसे पहली चीज। मुझे ऐसा लग रहा था 86 का है, वो है नहीं है, बिल्कुल लोकल है, मार्केट वाला। बाकी गाड़ी में ऊपर ही ऊपर से कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। असल में क्या है कि बाइक में जो लोग गाड़ियां मॉडिफाई करते हैं ना, उन लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप चेंजेस करें लेकिन ओरिजिनलिटी ख़त्म ना करें। जितना ज़्यादा सामान ओरिजिनल भले पुराना हो और वर्किंग कंडीशन में है, तो आप ये सोच के उसे ज़ाया ना करें कि समझते हैं ना, कुछ चीज़ें इधर उधर कर देते हैं आप लोग, फिर बाद में पता है आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हो, महंगे से महंगा सामान आप लोगों को मिल जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाती। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि चीज़ें जहाँ तक ओरिजिनल रहें वो ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश हम भी यही करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान डाल सकें, जिसमें आप लोगों को एक ड्यूरेबल बाइक मिल सके। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई आगे चल के दिक्कत ना आए। और बाकी रही बात और भी चीज़ों की, तो वो भी मैं आपके सामने करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा पार्ट नंबर के साथ। जैसे सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक बता दूँ कि टैंक का ढक्कन ओरिजिनल है, तो लॉक सेट तो ओरिजिनल निकलेगा ही, 100% बनी ज़रूर है गाड़ी, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कुछ करा नहीं है, क्योंकि इसके चेचिस के ऊपर जो कलर है ना वो हुआ ही नहीं है, वो कलर ओरिजिनल ही है, चेंजेस नहीं है कलर पे। ऊपरी तौर पे जितना बना भाई ने कर लिया, लॉक तो है ही नहीं इसका यहाँ पे। 33407 ओके, कहने का मतलब ये है कि भाई की जो गाड़ी है ना, उसने मतलब जिनके पास भी थी, शौकीन आदमी रहे हैं वो, जिनसे भी भैया ने गाड़ी ली है ये, और ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। जैसे सबसे पहले आप आ जाइए, ये देखिए माचिस भी चाहिए है। हाँ, 36L00 मेड इन जापान कार्बोरेटर, साथ ही साथ गाड़ी के अंदर इंजन के ऊपर कलर हुआ है, और साइलेंसर जो है इस पर कलर वलर कुछ भी छेड़ा छाड़ा नहीं गया, ओरिजिनल निकल बफिंग जो थी वही है। और क्योंकि इसकी एक खासियत बता रहा हूँ ओरिजिनल निकल की, ये देखो पीला पड़ रहा है ये, तो ओरिजिनल होता है ना तभी यही पोजीशन पे आता है, नहीं तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। कि सबसे पहली बात तो G1 डला हुआ है भाई की गाड़ी में, और ये भी गारंटी दे दूँ मैं 100% बता रहा हूँ आपको, इस गाड़ी में ब्लॉक ओरिजिनल निकलेगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको पार्ट नंबर डले हुए, साथ में इसका जो बोर साइज़ होगा, दो बार खुला है ये 100%, और इसमें 50 और 75 के बीच में बोर निकलेगा। और उसके अलावा नया किक है, गुटका भी नया है,
उसके बाद बाकी ब्रेक पेडल गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट डला हुआ है, और साथ ही साथ सस्पेंशन न्यू ब्रांड है, नए चेंज ही नहीं हुए हैं उसमें, अल्फा टोयो डली हुई है, ब्रेक लाइट अच्छी कंपनी है ये, मिंडा भी ओरिजिनल इंडिकेटर है, लेकिन दोबारा तो लगने की पोजीशन में है नहीं, क्योंकि अब यहाँ आ गई है तो दुल्हन बन के ही जाएगी। कुछ चीज़ देख रहा हूँ मैं इस गाड़ी में, वो नज़र आ जाए तो मज़ा आ जाए, भाई भी खुश हो जाएंगे, लेकिन है ही नहीं यार गाड़ी के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह की ये गाड़ी है उसमें कुछ सामान ओरिजिनल निकलने थे, लेकिन जिन्होंने भी इस गाड़ी में काम कराया है वो बिल्कुल भाई, मतलब के चीज़ें यार आपने क्यों बदल दी, ओरिजिनल गाड़ी थी है और क्या सामान इसमें से हटा दिया है, कार्बोरेटर ही मिला है, ब्लॉक मिला है, बाकी तो सारा का सारा सामान जो है गाड़ी में से हट चुका है, जो होता है मॉडल ही, क्योंकि जैपनीज है इस गाड़ी का, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब मैं सिर्फ एक मोटी मोटी बात कहूँगा, एलन की बोल्ड लगे गाड़ी के अंदर, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, काम अच्छा ही हो रहा था इस गाड़ी में जिनके पास भी थी, मेंटेन बाइक थी है, लेकिन इसका बहुत सारा सामान गायब है, मीटर भी इसी में नया लगा हुआ है, लॉक से देखो इधर टैंक का ढक्कन तो ओरिजिनल डाल दिया है, लेकिन यहाँ से लॉक लोकल कर दिया है गाड़ी का, और उसके बाद इधर आइए आप, लाइट भी गाड़ी के अंदर फियाम की अच्छी क्वालिटी की है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद भी थी मुझे कि ऐसा ही कुछ सामान निकलना चाहिए गाड़ी में, अच्छे जिनकी व्यवस्था थी बहुत अच्छी रखी है उन्होंने, कुछ चीज़ों में चेंजेस कर दिए वो गलत कर दिए, अच्छी खासी गाड़ी ख़राब कर दी यार, क्या बताऊँ अब मैं, खैर छोड़ो जो भी है आया है, पूरी गाड़ी में जो सबसे ये रबड़ मिली है लोकल है, ओरिजिनल नहीं है ये, यामा राजदूत जो भी लिखा है लेकिन लोकल है, ओरिजिनल नहीं है। सिक्स होल साइलेंसर डला हुआ है, मेड इन जापान है गाड़ी के अंदर, उसके अलावा कान भी लोकल डले हुए हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा यार वीडियो बनाने में, ठीक है भाई कुछ और आता है तो बताता हूँ यार।